सभी बीमारियां जो हमें होती है वो माफ नहीं करने से होती है। लुई हे, इन्होंने जो किताब लिखा है यू कैन हील योर लाइफ, उन्होंने बोला हुआ है कि आपको जो भी बीमारियां हैं वो आप यदि माफ नहीं करते लोगों को तो होती है। जैसे साइकेट्री में हम बोलते हैं कि साइकोसोमेटिक इलनेसेस है। साइकोसोमेटिक इसका मतलब होता है कि बॉडी एंड साइको, मन, साइको एंड सोमा। साइको मतलब मन, सोमेटिक मतलब बॉडी। तो जो भी बॉडीली बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, उसका कारण जो है वो मन में। और मन में मतलब क्या है, मन में विचार और इमोशंस जो होते हैं उसके वजह से बीमारियां होती है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। फॉरगिवनेस मतलब लोगों को माफ नहीं करना। तो उन्होंने बोला है कि जब भी कभी आपको बीमारी होती है तब पहले आप अंदर जाओ और देखो हमने किसको माफ नहीं किया हुआ है, किसको माफ नहीं किया है, किसके बारे में मेरे दिमाग में नफरत है, गुस्सा है, खुन्नस है। माफ नहीं करना, सबसे पहले देखो कि मैं कौन से, किसका नाम मेरे दिमाग में आता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, या उसने मेरा अपमान किया हो, अभी भी मेरी वो जख्म दिमाग में है, तो उसको पहले माफ करो। और माफ करना मतलब लेटिंग गो, छोड़ दो, गिविंग अप, छोड़ देना है। दिमाग में मत रखो। जब आप दिमाग में रखते हैं तो आप बिना किराए लिए जगह किराए से दी हुई है दिमाग में, और अंदर से वो खाई जा रही दिमाग, और फिर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होते जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो भी व्यक्ति के बारे में आपके दिमाग में खुन्नस है उसको लेट गो करो, गिव अप करो, माफ करो। मुझे मालूम है कि ये बहुत कठिन है किसी को माफ करना, मगर आप ये समझ लो कि जो भी वो व्यक्ति ने आपसे किया होगा, उसने जिस तरह से भी आपने बर्ताव किया होगा उसने आपके साथ में, वो नहीं करना चाहिए था। उसने जो बोला वो नहीं बोलना चाहिए था, जो किया वो करना नहीं चाहिए था, जो वो था वो ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर हुआ। पता नहीं उसकी क्या हालत उस समय होंगी, वो कौन से मेंटल स्टेट में होगा, उस समय उसको क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, उसका कहीं झगड़ा हुआ था, वो बीमार था, उसको डिप्रेशन था, उसको मेंटल इलनेस था, उसके घर में कुछ डेथ हुई होंगी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसने उस तरह का व्यवहार मेरे से किया, तो वो समझ लो और उसको माफ कर डालो। क्योंकि उसने जो भी किया वो उस समय उसके लिए बेस्ट था, उसको लगता था कि उसने वो करना चाहिए था, भले वो अपने को अच्छा नहीं लगा, उसने उसका बेस्ट दिया कि जो भी अच्छा करना था, जो भी रिएक्शन देना था, जो भी एक्शन करना था उसने बेस्ट किया। मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं खुन्नस पकड़ के बैठा, मेरा नुकसान हो गया, ठीक है, उसको समझो कि उसने ऐसा क्यों किया। कोई भी व्यक्ति मेरे पास में आता है तो मैं उसको पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, बोले मुझे तबीयत ठीक नहीं है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या रिश्ते बराबर नहीं चल रहे हैं, जो भी है, तो वो फिर हमको देखना पड़ेगा कि ये सब का जड़ जाके देखेंगे हम, तो हमको देखेगा कि दिमाग में खुन्नस है, गुस्सा है, नफरत है, प्यार नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ कि पहले जो जो लोगों को माफ़ करना है उनकी लिस्ट बनाओ, माफ़ करो, उनके ऊपर प्यार करना चालू करो, और खुद के ऊपर भी प्यार करो। आप खुद को भी प्यार नहीं करते हो। आपको क्या करना है कि एग्जैक्टली द वे यू आर, आप एग्जैक्टली जैसे हो वैसे हो, और जैसे नहीं हो वैसे नहीं हो, खुद का स्वीकार करना और खुद को प्यार करना चालू करना है। और खुद को प्यार करेंगे, खुद का स्वीकार करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। यदि आप खुद के ऊपर प्यार करना चालू करेंगे, खुद का स्वीकार करेंगे, लोगों को फॉरगिव करेंगे, माफ करेंगे, गुस्सा नफरत बाजू में रखेंगे, तो आपकी तबीयत अच्छी होगी, अच्छे लोग आपके तरफ आएंगे, आपके तरफ पैसा आएगा, आपके तरफ बिजनेस आएगा, आपके पास में सभी चीजों की विपुलता आएंगी, बहुत प्रॉस्परस आप बनेंगे। खुद को मान्यता चालू करो, खुद का स्वीकार करना चालू करो, खुद के ऊपर प्यार करना चालू करो, और देखो फिर क्या चमत्कार आपके लाइफ में हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे
वीडियोस है, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।